नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए रीजनिंग से एक और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए दी जा रही है, जिसमें आप सभी को रीजनिंग से बहुत ही उपयोगी चैप्टर, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई वो उससे नाटा है, वो उससे छोटा है, ठीक है, सीमा पिंकी से छोटी है, तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन्हें आप कैसे हल करेंगे। तो देखिये, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए इसमें दिया गया है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। और ये पूछा गया था यूपी पीएससी में 2016 के एग्जाम में। तो आपको कैसे हल करना है, देखिए आप क्रमानुसार चलिए। यहां पर दिया हुआ है ए डी से नाटा है, नाटा का मतलब हो गया छोटा, तो ए जो है ये ए ये किससे नाटा है, ये डी से नाटा है, तो डी इससे थोड़ा बड़ा हो गया तो डी ऊपर लिख लीजिए। परंतु सी से लंबा है कौन, ए, ए डी से तो नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो सी कहां पर आ गया, सी यहां पर आ गया, ठीक है। चलिए डी बी से नाटा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ए से लंबा है कौन भाई, बी जो यानी जो डी है ना, डी वो बी से तो नाटा है, ठीक है, डी बी से नाटा है, तो ये जो डी है ये किससे नाटा है, बी से नाटा है परंतु किससे लंबा, ए से लंबा है भाई, ए से लंबा है, बिल्कुल सही बैठ रही है सीरीज, बिल्कुल ए से लंबा भी बैठ रहा है, ठीक है। अगली लाइन में पढ़िए, परंतु ए से लंबा है ई ए से नाटा है, ई जो है वो ए से नाटा है भाई, ए से नाटा है ई, तो यहां पर ई लिख लीजिए क्योंकि ए से नाटा हो गया, ठीक है। अगली लाइन में देखिए, परंतु सी से लंबा है कौन, अब यहां पर एक चीज चेंज होगी, ई जो है वो ए से तो नाटा है लेकिन सी से लंबा है, तो ई की स्थिति फिर यहां की वजह कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा इनके बीच में ई। तो ये कुछ इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, बस कॉमन सेंस का इसमें यूज किया जाता है। अब हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबे कौन है, बी और डी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, बी और डी सबसे लंबे रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आप सभी के लिए, और सभी लोगों को कोशिश करनी है और सभी लोगों को आंसर करना भाई। अंजू प्रीति से छोटी है, ठीक है, अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर है तब श्रीधर है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रमानुसार चलते चले जाना। अंजू प्रीति से छोटी है यानी ए फोर अंजू, और ये किससे छोटी है, पी फोर प्रीति से छोटी है, तो आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं भाई, प्रीति से बड़े हैं मोहन और जयंत। अब आप एम और क्या, मोहन और जे, यानी कि एम और जे, अब इन और एम और जे में आप क्लियर ये नहीं कह सकते कि भाई एम यानी कि मोहन बड़ा है, जे फोर या फिर जयंत बड़ा है, लेकिन ये दोनों का पक्का है कि भाई ये दोनों किससे बड़े हैं, प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, तो सुधा इन दोनों से कहां पहुंच गई, सुधा इन दोनों से ऊपर पहुंच गई, सुधा से छोटे हैं तो सुधा इनसे बड़ी हो गई, जो श्रीधर की उम्र के बराबर है, कौन, सुधा, तो ठीक है, जो किसकी उम्र के बराबर है, श्रीधर की, तो सुधा और श्रीधर, यहां पर मैं नाम ही लिख लेता हूं श्रीधर, यानी कि तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो श्रीधर की उम्र के बराबर है, ठीक है, तब श्रीधर है। श्रीधर कैसा है आप देखिए, श्रीधर किस किस से बड़ा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, अंजू से बड़ा, देखिए अंजू से बड़ा है बिल्कुल, अंजू से छोटा भाई, अंजू से कहां छोटा, अंजू से तो बड़ा है, मोहन से छोटा, मोहन से तो बड़ा है, प्रीति से बड़ा नहीं है तो प्रीति से तो बड़ा है, तो कहने का मतलब किससे बड़ा है, अंजू से बड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए राइट रहेगा। तो भाई आपको कुछ इस टाइप से इनका क्रम मान के चलना है। तो अगला क्वेश्चन है फिर से आप सभी के लिए, सुरेश रमेश से बड़ा है, मोहन से छोटा है, सुरेश रमेश से तो बड़ा है, मोहन से छोटा है, और मुरारी मोहन से छोटा है किंतु सुरेश से बड़ा है, तब सबसे छोटा कौन है। तो कुछ इस टाइप से जो क्वेश्चन किए जाते हैं आते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको कैसे हल करने हैं। सबसे पहले आप सबसे पहली लाइन को पकड़िए, सुरेश रमेश से बड़ा है, तो जो सुरेश है, सुरेश ये किससे बड़ा है भाई, सुरेश रमेश से बड़ा है, तो रमेश हो गया छोटा, तो रमेश नीचे आएगा, ठीक है भाई। अगली लाइन में देखिए, सुरेश रमेश से बड़ा है, मोहन से छोटा है, ठीक है, मोहन से छोटा है, कौन भाई, सुरेश रमेश से तो बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, तो मोहन कहां चला गया, मोहन ऊपर आ गया क्योंकि मोहन से छोटा है सुरेश। अगली लाइन पढ़िए, और मुरारी मोहन से छोटा है, मुरारी मोहन से छोटा है,
ठीक है, किंतु सुरेश से बड़ा है, तो किंतु सुरेश से बड़ा है, तो मुरारी कहां पर आ गया, मुरारी यहां पर आ गया, तो यहां पर लिखिए मुरारी। मुरारी यहां पर क्यों आया, क्योंकि मोहन से तो छोटा है लेकिन सुरेश से बड़ा है, तब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हो गया रमेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। तो आपसे जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपको इस तरीके से हल करने हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस और मैथ से उपयोगी ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।